जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप बरामद की है। गिराए गए पैकेट से एक AK राइफल, 3 मैगजीन, 30 गोलियां और एक दूरबीन बरामद हुई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में निकाय चुनाव जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी मतदान करने पहुंची। पीएम मोदी की मां को सुरक्षाकर्मी और परिवार के लोग सहारा देकर मतदान केंद्र तक लाए और वहां पर हीराबेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने भाजपा की जीत का भरोसा जताया। पंजाब प्रभारी हरीश रावत के बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला की टिप्पणी पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कॉमेडी करने पर उतर आई है। कैप्टन ने दोनों की बयानबाजी को गलतियों की कॉमेडी करार दिया है। कोरोना महामारी को लेकर आज राहत की खबर आई है। दरअसल 199 दिनों बाद आज सबसे कम सक्रिय मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,882 नए मामले सामने आए हैं और 244 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 25,930 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान दौरे पर आएंगे और सुंदर सिंह भंडारी की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उदयपुर संभाग में ये दौरा संभावित है, हालांकि अभी उनके दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सुबह से ही उनके सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई भाजपा नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देकर उनकी दीर्घायु की कामना की। टोंक सवाईमाधोपुर विधायक सुखबीर जौनपुरिया आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर है। इस दौरान सांसद ने जिला खेल स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक के लिए आए युवाओं और स्थानीय लोगों से भी संवाद किया और जिले में व्याप्त समस्याओं की जानकारी ली और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। प्रदेश में अक्टूबर में मानसून विदा लेता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाएं स्थापित होने से 5 अक्टूबर के आसपास वायुमंडल में एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा। इससे 6 अक्टूबर से बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। ऐसे में अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तेल कंपनियों की मनमानी लगातार जारी है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल में 26 और डीजल के दामों में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब जयपुर में पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर हो गया है तो वहीं डीजल 100.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी हो रही थी, जिस पर बीच में ही NCB की टीम ने धावा बोल दिया। टीम में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम भी सामने आया है। उनसे NCB की टीम पूछताछ कर रही है, जबकि 8 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। We'll be right back.